जी जी इनको रॉयल पाम कहते हैं अंग्रेजी में जी जी और लैटिन में इसको रॉयस्टोनिया रिजिया कहते हैं जी जी ये मोर पंखी का वृक्ष है जी जी और ये जो छोटे वृक्ष दिखाई देता है ये कैजुरीना है जी जी उस साइड में कैजुरीना और कैजुरीना के साथ साथ यहाँ कांग्रेस घास पर ये पत्तों वाला पकायन का वृक्ष है और ये टिटिब नाम का पक्षी है जो प्राय यहाँ घूमता रहता है और ये आपके सामने जो उसका दिखाई देता है पीपल पीपल के साथ साथ पोलियल्थिया लॉन्गीफोलिया है साथ में ये सफ़ेदे का वृक्ष है और ये गीदड़ तंबाकू इसको हम कह सकते हैं गीदड़ तंबाकू इसको जल में पड़ने से इसके रस के मछलियां मर जाती है और ये देखना आपके सामने जहाँ मैं गया हूँ ये बकुल अर्थात मौलश्री का वृक्ष है ये बड़ा सुंदर वृक्ष है और भारतीय औषध शास्त्र में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ये एलोवेरा है इसे घृत कुमारी कहते हैं। ग्वार पट्ठा अनेक रोगों में और पुष्टि करने के लिए काम आता है। इसको फाइकस बेंजामिना कहते हैं। ये अपनी सुंदरता के लिए अच्छे वृक्ष जगह जगह पाया जाता है। ये कड़ी पत्ता है जिसके पत्ते कड़ी के अंदर डाले जाते हैं। आम औषधीय पौधा है। इसके साथ ये गुलाब है असली गुलाब के फूल इसमें दिखाई दे रहे हैं लाल भी और ये दो पौधे हैं यहाँ पर ये गुलाब का फूल है। इसके बाद हम आपको एक पौधा दिखाते हैं जिसको जिया पोता या पुत्रंजीव कहा जाता है। ये पौधा जो है जिसको मैं हाथ लगाया है ये मेरे स्वयं के गार्डन हर्बल गार्डन समर गोपालपुर से ला करके ये पौधे लगाए गए थे और ये अच्छी तरह से अब चल रहे हैं। इसके बाद ये एकोमास्टांस इसको सौन परनी कहते हैं का पौधा है। इसके साथ ये बड़ा वृक्ष जो है ये शोभांजन हाँ जिसको देसी भाषा में यहाँ सरौदना कह देते हैं शोभांजन है। इसकी फलियों का प्रयोग शाक आदि बनाने के उसमें प्रयोग में आता है। इसके बाद ये भी दोनों छोटे छोटे वृक्ष थे जो बिल्कुल पैदा हुए थे और ये मेरे सामने ही बड़े हो गए हैं बहुत जल्दी। ये भी पुत्रंजीव नाम का वृक्ष है। इस प्रकार से यहाँ कई पुत्रंजीव लगे हुए हैं और यहाँ आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष भी है। इसके साथ ये कैजुरीना लगा हुआ है। ये वृक्ष कैजुरीना का है कैजुरीना इसको कैजुरीना कहते हैं। ये सर लंबा जाता है वृक्ष हाँ ये बड़ा वृक्ष हो जाता है और इसके साथ साथ ये जो वृक्ष है इसको शरीफा कहते हैं। शरीफा किस काम में आता है ये इसका फल लगता है और फल खाया जाता है इसका। इसके पश्चात ये विभीतक जिसको विभीतक अर्थात टर्मिनेलिया बैलेरिका कहते हैं टर्मिनेलिया बैलेरिका ये वृक्ष जो है आ जाएंगे और चंडीगढ़ की सड़कों पर ये वृक्ष काफी संख्या में लगे हुए हैं। इधर ये आमल की नाम का वृक्ष है जिसको आंवला कहते हैं और आंवला जो है वो जगत प्रसिद्ध भारतीय वनौषधि है। ये आंवले के साथ साथ ये पारिजात नाम का वृक्ष है। इस पारिजात के फूल रात्रि के समय खिलते हैं और सुबह ही गिर जाते हैं बहुत से। ये बड़े अच्छी मेडिसिनल औषधि मानी जा यानी मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। इस प्लांट के अनेकों प्रयोग जैसे बुखारों आदि के अंदर भी इस प्लांट का प्रयोग किया जाता है तथा वात आदि रोगों में इसका सिद्ध तेल प्रयोग होता है। ये जिसको लोग किस नाम से पुकारते हैं मुझे नहीं पता लेकिन इसको लैटिन में हम जट्रोफा इंटेग्रीमा कहते हैं जट्रोफा इंटेग्रीमा। इसके साथ साथ ये यहाँ पर चमेली इसका चांदनी का वृक्ष है चांदनी का वृक्ष। इसके साथ ये महावृक्ष इसको वटवृक्ष कहते हैं ये यहाँ पर है। ये बहुत ही यानी बड़ी वनस्पति महावनस्पतियों में ये आता है। इसके साथ साथ ये ऑरेंज जैस्मिन
नाम का पौधा है। इसके फूल बड़े सुगंधित होते हैं, रात्रि के समय खिल जाते हैं और दिन में ऑरेंज जैसे जाते हैं। तो ऑरेंज जैस्मिन बोलते हैं। कैसे रंग के फूल आते हैं सर इस पर? इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, सुगंधित होते हैं। हाँ, सुगंध बहुत सुगंध वाले फूल होते हैं। इसके बाद ये दुरान का खड़ा है जो पहाड़ के वृक्ष हैं। इसके साथ साथ ये एक शीशम का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है। हाँ, डलबर्जिया सिसो अर्थात भारत देश की जो शीशम है वो है डलबर्जिया सिसो। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का पाम है, ये ड्यूरांटा बोलते हैं इसको, ड्यूरांटा। ये फल ऐसा है, खाया तो जाता नहीं, ड्यूरांटा नाम का ये बाड़ के पौधों के अंदर शामिल होता है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पैदा होने वाला इसको का प्रयोग डायबिटीज को कम करने में, मधुवासिनी से। हाँ, मधुनाशिनी, मधुनाशिनी है भाई, देख लो पत्ते, दिखा दे भाई कैमरामैन को भाई, इसके पत्ते दिखा दे, तो देखो ये है पत्ते की, इसकी पहचान देख सकते हो। और ऐसे इस तरह के फूल आते हैं इस पर। और मैं इसको समर गोपालपुर के हर्बल गार्डन से लेकर आया था। इसके बाद इधर आ जाते हैं, मैंने पीछे लगवाया था, ये 5-4 वृक्ष लगवाए हैं। इसको कैशिया फिस्तुला अर्थात अमलताश भी कह देते हैं, संस्कृत नाम इसका कृतमाल है। और पंडित वैद्य सत्यदेव वशिष्ठ इसका काफ़ी प्रयोग किया करते थे, जो भिवानी के अंदर बैठा करते थे, नाडिया वैद्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं यहाँ, ये कदली केला जिसको कहते हैं, इसको केला बोलते हैं हरियाणा भाषा में, हरियाणा भाषा में केला बोला जाता है। फूल देख लो आ रहे हैं और छोटे छोटे फूल भी आया हुआ है। और एक बार हम इसके फल खा भी चुके हैं जी। ये मेरे द्वारा ही आरोपित करवाया गया था जी। और ये एक छोटा सा वृक्ष आपको दिखाई देता है, इसको ढाक कहते हैं, ढाक के तीन पात चौथा फूट है नहीं, वो ये बात प्रसिद्ध है। देख लो ये है ढाक के तीन पात चौथा फूट है नहीं। ये दो वृक्ष मैंने लगाए थे, इनमें से एक वृक्ष मर गया, के पश्चात कई बार ये तो आजकल पशु खाने भी लग गए हैं। बिल्व के वृक्ष हैं ये, इसमें मैं इसको बिल्व गार्डन कह देता हूँ। काफी बिल्व अर्थात बेलगिरी के वृक्ष हैं भाई, बेलगिरी आप पकड़े को लगभग ये देख लो गोभी भी लगा रखी है, बढ़िया हो जाती है। ये बंद गोभी लगी हुई है, पत्र गोभी है। इसके साथ ये अनार, ये अनार हैं और ये कुछ नए वृक्ष लगाए हैं, मौसमी। हाँ हाँ, ये मौसमी वगैरह नए लगाए हैं अभी, कुछ इनको पूरा एक आध को फूल भी आया हुआ है। और ये देखिए ये बेल बिल्व, तो बेल गिरी जिससे बनती है ये वही चीज़ है, ये बेल वृक्ष है, देख सकते हैं भाई फ्रूट भी आ रहे हैं। एक किलोग्राम के फल यहाँ पर लगते हैं, फल लग रहे हैं, बहुत सुंदर बेल वृक्ष हैं। ये देख लो भाई, ये मोटे मोटे फल लग रहे हैं इसका, इस और मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में यह भी पढ़ा है कि बिल वृक्ष के जो पत्र होते हैं, इन पत्रों को खाने से भी डायबिटीज नाम की बीमारी में लाभ होता है। इसके साथ यहाँ आ जाइए, ये संतरा है, लेकिन ये काफी खट्टा है। ये संतरा इतना खट्टा है कि इसकी एक फाड़ जो है वो एक नींबू का काम कर देती है। और ये जो छोटे वृक्ष हैं, इसको करौंदा बोलते हैं। इसके फल आते हैं जो खाए भी जाते हैं, इनका अचार भी मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर है, ये सारे ये करौंदे लगे हुए हैं, 4 करौंदे। इधर ये जामुन के वृक्ष हैं। और आपको हम चंदन का वृक्ष दिखाते हैं, सफेद चंदन का ये वृक्ष है। ये वृक्ष मेरे कामयाब हुए हैं, अभी तक ये चल रहे हैं। ये देखिए भाई, चंदन का सफेद चंदन, बड़ा तस्कर होया चंदन का भाई, वीरप्पन उसका यो पेड़ है वीरप्पन। हाँ, ये चंदन है, इसको सैंडल ट्री नाम से जाना जाता है, इसको संदल भी कह देते हैं। और एक लाल चंदन होता है।